पहला सरदर्द ये कि कौन सा साउंड सिस्टम खरीदें, और दूसरा ये कि खरीदने के बाद उसको सही जगह प्लेस कहाँ करें। कुछ लोग अपने साउंड सिस्टम को इस हिसाब से प्लेस कर लेते हैं कि बस ये वो ये देखते हैं कि वो दिखने में कहाँ अच्छा लग रहा है, फर्नीचर के साथ मैच हो रहा है, किस जगह पे कॉम्पैक्ट फिट हो रहा है, ये सब चीज़ देखते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए दोस्तों साउंड क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है कंपेरेटिव इसके कि वो दिखने में किस जगह पर अच्छा लग रहा है। अगर दोस्तों आपके लिए भी लुक से ज़्यादा साउंड क्वालिटी मैटर करती है, तो आपको अपने सिस्टम से मैक्सिमम पोटेंशियल लेने के लिए उसको बहुत सही जगह प्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे जो लोग ईयरफोन्स के साथ म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, उसमें इंजॉय करते हैं, उनके लिए यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जहाँ भी जाएँ, किसी भी जगह जाएँ, उसके ईयरफोन की साउंड चेंज नहीं होने वाली जगह के हिसाब से, और जो साउंड सिग्नेचर कंपनी ने बना के दिया है ईयरफोन या हेडफोन के अंदर, वो सेम रहने वाला है इरेस्पेक्टिव आप कहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जहाँ बात करें हम दोस्तों साउंड सिस्टम की, एक साउंड बार की, एक होम थिएटर की, वो जगह जगह के हिसाब से उसकी साउंड चेंज होती रहती है, रूम के हिसाब से, रूम के डायमेंशन के हिसाब से, अकॉस्टिक के हिसाब से। तो कंपनी जो मर्जी चाहे साउंड सिग्नेचर आपको फिक्स करके दे दे, लेकिन इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आपका जो साउंड सिग्नेचर है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, और कभी कभार ये फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ लोग बहुत सवाल पूछ रहे थे कि लॉजिटेक जैसे सिस्टम जिसमें ब्लूटूथ नहीं होती है, उसको हम वायरलेसली कंट्रोल कैसे करें। देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो ये कि आप इसको टीवी के साथ फिट करें। लॉजिटेक Z906 आपके पास उस ऑप्टिकल से टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 623 AUX के थ्रू, हेडफोन जैक के थ्रू आप टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी के साथ कनेक्ट करने के बाद दोस्तों अपने मोबाइल से सिंपली आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वायरलेस कनेक्शन बन जाएगा, आप म्यूज़िक सुनिए या मूवी देखिए। अगर आप टीवी से ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं उसको, तो आप एक काम कर सकते हैं, सिंपली दो डिवाइस लीजिए सेम, उसमें स्पॉटिफाई ऐप वगैरह डाउनलोड कीजिए, सेम मोबाइल नंबर से दोनों डिवाइस में लॉगिन कीजिए उसको, तो आप उससे भी इस तरीके से अलग अलग मोबाइल से सेम सॉन्ग प्ले करके आप वायरलेसली म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। किसी भी साउंड सिस्टम के अंदर दोस्तों आपको एक सबवूफर मिलता है जो कि बेस प्रोड्यूस करने के लिए बना होता है, और सैटेलाइट स्पीकर्स या साउंड बार के केस में साउंड बार मिलता है मिड्स और हाई को प्रोड्यूस करने के लिए। स्पीकर या साउंड बार को प्लेस करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्शनल होते हैं, जिस डायरेक्शन में उनका मुंह होता है, जिस डायरेक्शन में उनका फेस होता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना आउटपुट देते हैं। तो ईयर लेवल पे हो तो ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग यहाँ भी गलती कर जाते हैं, जैसे कि सैटेलाइट स्पीकर्स को रूम की सीलिंग में लगा देते हैं। 4.1 चैनल सिस्टम है तो दो स्पीकर को आगे या दो स्पीकर को पीछे रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आपका 2.1 सिस्टम है तो आप पहले तो कोशिश कीजिए कि उसको ईयर लेवल पर रखा जाए सैटेलाइट सिस्टम्स को, और सैटेलाइट सिस्टम के बीच की दूरी और इंडिविजुअल सैटेलाइट स्पीकर से आपकी दूरी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए दोनों सैटेलाइट स्पीकर और आपके बीच। बात करते हैं दोस्तों 4.1 चैनल की। ये शब्द 4.1 चैनल ही दोस्तों अपने आप में एक स्टूपिड चीज़ है, क्योंकि 4.1 चैनल जैसी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। 2.1 के बाद एक साउंड स्टैंडर्ड जो आता है वो डायरेक्ट 5.1 का आता है, और उसके बाद 7.1 एंड 9.1.2 एंड सो ऑन एटमॉस में चला जाता है फिर मामला। तो 2.1 दोस्तों स्टीरियो होता है, 5.1 से उसका सराउंड साउंड सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। दो स्पीकर फालतू जोड़ने से दोस्तों वो दो चैनल नहीं बन जाते हैं कभी भी। हम दोस्तों उसको 4.1 चैनल जब बोल सकते थे अगर चारों स्पीकर्स में दोस्तों अलग अलग डाटा इन्फॉर्मेशन भेजा जा रहा है, जैसे कि 2.1 के केस में लेफ्ट को अलग डाटा भेजा जा रहा है, राइट को अलग डाटा भेजा जा रहा है। 5.1 में पांचों स्पीकर को दोस्तों अलग अलग इन्फॉर्मेशन एंड डाटा भेजा जा रहा है, लेकिन 4.1 चैनल में दोस्तों क्या हो रहा है, दो स्पीकर में सेम डाटा और लेफ्ट के दो राइट वाले स्पीकर में सेम डाटा। तो दोस्तों एक तरीके से 2.1 ही हुए। तो इसलिए दोस्तों 4.1 कभी भी सराउंड साउंड इफेक्ट नहीं बना सकता है। अच्छा तरीका यही है कि ईयर लेवल पर रखिए और दोस्तों अपने सामने रखिए, दो लेफ्ट में दो राइट में। 4.1 का दोस्तों बेनिफिट बस 2.1 के कंपैरेटिव इतना ही होता है कि 4.1 में आपको ज़्यादा बड़ा कवरेज मिल जाता है। अब दोस्तों बहुत होगी स्पीकर्स की बात है, हम डायरेक्ट सबवूफर की बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपके रूम से। दोस्तों देखिए, रूम एक तो क्लोज होना चाहिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखिए। रूम में बहुत ज़्यादा खिड़की दरवाजे चारों तरफ ना हो, और हो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा क्लोज हो। एक क्लोज रूम में जो आपको सबवूफर मजा दे सकता है दोस्तों, वो ओपन रूम में कभी नहीं दे पाएगा। दूसरी बात दोस्तों रूम के डायमेंशन की। देखिए रूम के डायमेंशन यानी कि उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको बहुत
अच्छे तरीके से पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना बड़ा रूम होगा आपको उतना ही एफिशिएंट सबवूफर चाहिए ताकि वो अपने बेस से पूरे रूम को फिल कर सके। अब दोस्तों हमने रूम देख लिया और रूम के डायमेंशन के हिसाब से हमने एक सबवूफर सेलेक्ट कर लिया जिसका पावर आउटपुट ज़्यादा हो। बड़ा रूम है तो ज़्यादा पावर आउटपुट, छोटा रूम है तो छोटा पावर आउटपुट। अब परेशानी आती है दोस्तों उसके रखे कहाँ पे। देखिए जितने भी वेस्टर्न साइट्स हैं, साइड जितने भी ऑडियो की वेस्टर्न साइट्स हैं उन पर आप जाएंगे तो वहाँ एक बहुत चीज़ आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगी, क्रॉल टेस्ट। आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, इसको मैंने ही परफॉर्म किया और काफ़ी हद तक यूज़फुल है। देखिए इसमें आपको करना क्या होता है, आप सबसे ज़्यादा रूम में किस जगह पर बैठते हो, कोई चेयर या सोफ़ा, उस जगह अपना सबवूफर को रख दीजिए। फिर घुटनों के बल पूरे कमरे में आपको क्रॉल करना है, रेंगना है। जिस जगह पर बेस सबसे अच्छा लग रहा है आपको, जिस तरह की फ्रिक्वेंसी आपको चाहिए, उस तरह की फ्रिक्वेंसी आपको डिलीवर हो रही है उस प्लेस पर, आपको उस प्लेस पे एक मार्क कर लीजिए। अब जहाँ आपने सबवूफर रखा था वहाँ जाके बैठ जाइए और सबवूफर को आप जहाँ खड़े हुए थे जहाँ आपने मार्क किया है वहाँ जाकर सबवूफर को प्लेस कर दीजिए दोस्तों। यानी कि एक तरीके से पोजिशन को इंटरचेंज करना है, तो काफ़ी हद तक दोस्तों आपको वैसा ही बेस आपको सुनाई देगा जैसा आपने जिस प्लेस पर मार्क किया था। मैं पहले विश्वास नहीं कर रहा था इस चीज़ पे, लेकिन मैंने काफ़ी बार टेस्ट किया दोस्तों, ऐसा होता है। लेकिन इसकी एक शर्त ये है दोस्तों कि आपके जो रूम के अकोस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनइवन ना हो, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा ना हो कि एक कोने में तो आपके बहुत ज़्यादा अकोस्टिक्स हैं, एक तरफ की वॉल आपकी पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो ये तरीका आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या कुछ रिजल्ट्स आपको मिले हैं या नहीं। और जैसे इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि जिस पोजीशन पे आपका बेस सही मिला, आपको आपने ये चीज़ फाइंड की, लेकिन उस जगह पे आपका प्लग ना हो तो भी दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि सब लोग यही कहते हैं कि सबवूफर को हमेशा फ्लोर पर रखना चाहिए, फ्लोर पर रखना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, कुछ सबवूफर को आपने फ्लोर पर रखा हुआ है प्लस कॉर्नर में भी रखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक अच्छा क्वालिटी बेस सुनाई ही दे। देखिए इस तरह की प्लेसमेंट में हो सकता है कि आपको कुछ फ्रिक्वेंसीज ओवर पावर्ड या बूस्टेड सुनाई दे, या फिर कुछ फ्रिक्वेंसीज आपको सुनाई ही ना दे कम्प्लीटली। ये बेस को बहुत ज़्यादा मडी या बूमी भी बना सकता है। तो हमेशा फ्लोर पर रख के प्लस फोर आपने कॉर्नर में भी उसको प्लेस कर दिया, तो ज़रूरी नहीं कि आपको जैसा बेस चाहिए वैसा ही मिलेगा, आपको क्वालिटी या टाइट बेस एक्सपीरियंस होगा उस प्लेस पर। अब इस तरह की प्लेसमेंट में दोस्तों दूसरी चीज़ आपको ये फील हो सकती है कि आपको लगेगा कि बेस का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि ज़मीन की तरफ बेस बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा ऊपर एक हाइट की तरफ आपको एक बेस कम सुनाई दे सकता है, तो आपको ऐसा फील भी हो सकता है। अगर आपने भी देखिए इस तरीके से आपने प्लेसमेंट की हुई है फ्लोर पे या कॉर्नर में रखा हुआ है, तो आप एक छोटा सा काम करके देख सकते हैं, आप उसको थोड़ी सी हाइट पर रखिए और थोड़ा सा कॉर्नर से उसको बाहर लेके आइए, हल्का सा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रूम में बिल्कुल बीचों बीच भी रख दिया तो भी दोस्तों बेस अच्छा नहीं आने वाला। तो एक थोड़ा सा कॉर्नर तो उसको चाहिए, लेकिन बिल्कुल एकदम कॉर्नर में उसको चिपकाना सही नहीं है। आप एक हाइट पे रख सकते हैं और जिस चीज़ पे आप रखें उसको दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल आप इंश्योर कर लें कि वो एक सॉलिड, एक हैवी चीज़ हो, जैसे कि एक वुडन का हैवी टेबल जो कि सबवूफर के साथ साथ वाइब्रेशन क्रिएट ना करें, वो ज़्यादा हिले डुले ना। तो दोस्तों अगर आपके रूम के अकोस्टिक्स ठीक हैं और आपने सबवूफर को फ्लोर पे नहीं रख रखा है, आपने कॉर्नर पे भी नहीं रख रखा है, आपने उसको एक हाइट पे प्लेस किया हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया एक सॉलिड वुडन टेबल पर, और आपने क्रॉल टेस्ट भी परफॉर्म कर लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने सबवूफर को प्लेस कर लिया, तो आप पाएंगे कि बेस आपको एक क्वालिटी उसमें इंक्रीज होती दिखेगी अगर आपको पहले क्वालिटी नहीं मिली थी। अगर आप पहले अपनी पोजीशन से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं तो आपको इन सब एक्सपेरिमेंट्स को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा है उसको वैसे रखने दीजिए, कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों दो चीज़ मैं यहाँ और ऐड करना चाहूँगा, पहली ये कि सबवूफर का जो पोर्ट होता है बेस रिफ्लेक्स पोर्ट, उसके कम से कम 10 से 12 इंच के बीच दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं बिल्कुल दीवार से चिपका के रख देते हैं या अपने कैबिनेट के किसी के अंदर रख दिया, दोस्तों एक तरीके से ये अच्छी बात नहीं है, पूरी तरीके से खुलकर बेस आपको नहीं मिलेगा जो बेस होना चाहिए, तो 10 से 12 इंच के बीच दोस्तों कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों बेस को बढ़ाने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि पावर एम, बेस बूस्टर ऐप, 10 तरह की ऐप्स प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगी, इनका यूज़ बिल्कुल ना करें, अपने सिस्टम की आप इससे क्वालिटी प्लस लाइफ दोनों को ख़त्म कर लेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। अभी के लिए बाय।